खबर, अंबाला से पुलिस ने 250 किसानों को रिहा किया। बड़ी खबर इस वक्त की, विरोध करने पर किसानों को हिरासत में लिया गया था और अब पुलिस ने 250 किसानों को रिहा कर दिया है। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर लगातार जो किसान थे वो विरोध कर रहे थे और इसी के बाद पुलिस ने 250 किसानों को रिहा कर दिया है। अंबाला से बड़ी खबर, विरोध करने पर किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया था लेकिन अब उन 250 किसानों को प्रशासन ने, पुलिस ने रिहा कर दिया है। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे थे और किसानों के विरोध को देखते हुए, रिहाई की मांग को देखते हुए पुलिस ने यह फैसला लिया है और 250 से ज्यादा किसानों को रिहा कर दिया है। बड़ी खबर अंबाला से, जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की, किसानों की रिहाई की मांग को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे किसान। किसान ये कह रहे थे कि पुलिस जो है वो 250 किसानों को, जिनको हिरासत में लिया है, उन्हें छोड़े। और उसके बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से 250 किसानों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें जहां पर लगातार विरोध के दौरान जो किसानों को हिरासत में लिया गया था उसको लेकर किसान उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे और अब प्रशासन ने 250 किसानों को रिहा कर दिया है। और राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये जैसे कि आपको 2 घंटे पहले बताया गया था कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की और किसान नेताओं की बातचीत चल रही थी और आखिर बातचीत रंग लाई और उन्होंने जो है जो 250 किसान सुबह गिरफ्तार किए थे, जिन्होंने रास्ता जाम किया था, उनको बिल्कुल रिहा कर दिया गया। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 पुलिस की बसों में भरकर इनको जो है पुलिस लाइन से रिहा किया गया है और ये किसान अब जो है अपने आंदोलनरत जो बाहर किसान खड़े थे वो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और वो इन किसानों का स्वागत कर रहे हैं। जी, आपने उस समय बताया था कि एक मासूम बच्चा भी अपने पिता की रिहाई के लिए यहाँ आया था, क्या उसके पिता को भी रिहा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, सभी 250 किसानों को रिहा कर दिया गया है जिसमें उस बच्चे का पिता भी शामिल है। उस बच्चे का पिता भी शामिल है, क्या राकेश टिकैत आने वाले थे अंबाला आए? जी बिल्कुल, राकेश टिकैत आए थे लेकिन पंजोपड़ा में माथा देखकर वो सीधे वहां से कुरुक्षेत्र की तरफ निकल गए। वो आंदोलनरत किसानों से उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने शायद उनको बताया था कि बातचीत चल रही है और पॉजिटिव चल रही है, इसलिए हो सकता है कि टिकैत वो कुरुक्षेत्र की तरफ सीधे रवाना हो गए। रिहाई के बाद किसान नेताओं से आपकी बात हुई है, क्या कहना है उनका? जी, किसान नेताओं का ये कहना है कि बहुत सौंदर्यपूर्ण बात रही है और जो उन्होंने पुलिस ने उनको बताया है उनकी बात भी मानी गई है और किसानों की बात भी मानी गई है और इसीलिए जो है ये बीच का रास्ता निकला है और सभी 250 किसानों की रिहाई हो पाई है। चलिए राजकुमार शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।